ये देखो ऐसे और के लग रहा दूल्हा। अबे तू बहुत लूज आ रहा मेरे हैं, ऐसा डाल रहा है तू, बहुत लगाया। ऐसा दूल्हा हो तो सादे दिन तलाक होगा। हो रहा हो रहा हो रहा, उधर ओए फिर ठोक दिया। अबे यार निकल गया निकल गया निकल गया। ये क्या था अमित भाई, अभी आया नहीं कवर में? नहीं अब स्टार्ट करा मैंने तो। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब? तो स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। काफ़ी टाइम से मैंने ब्लॉग नहीं डाला है क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा और फिर कोई लोकेशन समझ नहीं आ रही कहाँ ब्लॉग करूँ, इसलिए कोई ब्लॉग नहीं डाल पा रहा हूँ मैं संडे टू संडे। तो फाइनली आज दोबारा भाई ब्लॉग करने वाला है अपनी शादी का, क्योंकि मैं अपनी शादी के कपड़े लेने जा रहा हूँ, शेरवानी वगैरह। तो सीधा आपको लेकर चलते हैं, शेरवानी कहाँ मिलेगी अच्छी। हाँ तो गाइस तुम्हारा भाई रेडी हो चुका है फाइनली, तो अब हम निकल रहे हैं सीधा सीलमपुर शेरवानी लेने के लिए। तो मेरे साथ मेरे भाई जा रहे हैं अमित भाई, तो उन्होंने बोला मेरे को नॉलेज है इन चीज़ों की तो मुझे साथ लेकर चल, तो मैं दिलवा दूँ क्योंकि अच्छी सी मैंने, ठीक है अमित भाई को लेकर चलते हैं साथ। और इस बार ब्लॉग में मज़ा आएगा क्योंकि अमित भाई भी तुम अपने साथ, तो वो अभी पेट्रोल डलवा रहे हैं, आपको दिखा देता हूँ। ये देखो पेट्रोल की बहुत दिक्कत रहती है यार, ये देखो अभी हम पेट्रोल डलवा रहे हैं फिर उसके बाद निकलते हैं। हो रहा हो रहा हो रहा, उधर फिर ठोक दिया। अबे यार निकल गया निकल गया निकल गया। ये क्या था अमित भाई, अभी आया नहीं कवर में? नहीं अब स्टार्ट करा मैंने तो। बहुत बढ़िया ब्लॉगर है। एक कुत्ते का ना मुंह फंस गया प्लास्टिक बोतल में, डब्बा था, हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे से निकालें, तो उधर भाग गया रोड क्रॉस करके। दो एक्सीडेंट हुआ हल्के हल्के, एक्सीडेंट से निकल गया डब्बा, निकल गया सब कुछ हो गया ना, तब इसने कैमरा खोला, दिखाता हूँ। अब मैं चाहता नहीं ब्लॉगर। अरे तो बढ़िया, तो सौरभ जोशी है। तो भाई देख लो यही जा रहे हैं मेरे साथ, तो कहाँ जा रहे हैं हम ये तो बता दो एक बार। हम जा रहे हैं सीलमपुर, तेरे किसने घर में शादी किसी की ना? मेरे अपनी शादी है, अपनी है मेरी, कितनी बार बताऊं शादी है तेरे, लेने जा रहे हैं लहंगा वहंगा। अबे ले गजब बेइज्जती है। अबे लहंगा पहनूंगा मैं, शेरवानी तुम्हें गांव को दिखाओ, पहाड़ पहाड़ दिखाते हैं तुम्हें। हम आ चुके हैं शिमला की वादियों में, ये देखो भाई ये आ चुके हम शिमला, ये यहाँ से पहाड़ी एरिया स्टार्ट है। ये देखो ये शिमला की एक नदी है जो ऊपर से बह रही है झरने के साथ, और ये पहाड़ काफी सुंदर, बढ़िया खुशबू है दोस्तों की, और जो स्मेल आती ना कि नेचुरल आती, बहुत तगड़ी वादियाँ, बहुत बहुत खूबसूरत है, बहुत स्वीट। अभी आगे दिखाता हूँ मैं क्या। ये देखो ये दिखाओ इधर, बदल ये देखो पैकेट भर भर के जा रहा है, ये तो अच्छी बहन की इसकी माँ की आवाज भी नहीं आ रही। उम्मीद भाई ऐसे भाई गाजीपुर का सबसे गंदा एरिया है, देखो मछली मार्केट इतनी गंदी स्मेल आ रही है ना, सांस भी नहीं ले पा रहे हम ठीक से। क्या हो रहा अमित भाई, सांस रोक रखी है, स्कूटी चलाओ ना गिर जाओगे तुम। दोस्तों पीछे ना एक लड़की मार रही रोड पर, भाई पत्थर मारते बैठ कर बोलो फिर क्या करोगे, सौरभ जोशी मेरे से अच्छा है क्या गाइस, कमेंट करो जल्दी। हाँ तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं सीलमपुर, और मार्केट देख रहे हैं हम किधर मिलेगा कपड़ा, में पहले कपड़ा लेना फिर सिलवाना है। ये देखो सीलमपुर मार्केट, बालों की ऐसी तैसी हो रखी है, मुझे लग रहा है पहले कटिंग वटिंग करानी पड़ेगी। तो भाई ये आ गई कपड़ा मार्केट, ठीक है जहाँ हमें शेरवानी के लिए कपड़े लेने हैं, ये सारी मार्केट है सिर्फ कपड़ा मिलता है, फिर उसके बाद हमें सिलवाने के लिए जाना पड़ेगा कहीं पर। बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन कपड़े, मतलब कि मैं क्या ही बोलूं, आओ बहुत ही खूबसूरत कपड़े उठाओ अपने हिसाब से सिलवाओ पहनो, क्वालिटी बहुत बढ़िया सब बढ़िया। यहाँ एक दिक्कत है बस, यहाँ पे आओगे तो जाम में एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा एक्स्ट्रा रख के चलना अपने पास। लड़कियों के लिए भी मिल जाता है क्या लहंगे वगैरह? अरे बहुत लड़कियाँ मिलती है यहाँ पे की, अरे लड़कियों के लिए कपड़ा मिल जाता है। अच्छा लड़कियों के यहाँ कपड़ा ही मिलता है? हाँ कपड़े तो मिले लड़कियाँ नहीं, क्या यार भाई गलत बात कर रहे हैं, खान है कपड़े की खान। ये देखो अभी एक जगह है ना वहीं चलते हैं, जिधर मैं जहाँ गया था लास्ट टाइम, यहाँ लास्ट टाइम गया था वहीं चलते हैं, बढ़िया चाहिए ठीक है दिखना चाहिए साथ में, फेमस है फेमस यहाँ का जहाँ मैं जा रहा हूँ। अच्छा, सरदार है वो, सरदार है हाँ। कौन सी दुकान है ये तो बताओ। ये तो भाई इस दुकान में घुसने से पहले जूते चप्पल उतारने पड़े, तो ये जी तगड़ी मार्केट, ये मैंने भेजा था ना फोटो, वो दिखा दो भाई को एक बार। ये अपने भाई के लिए चाहिए शेरवानी, भाई बताओ कोई पसंद आ रहा है कपड़ा। भाई कितने फ्लोर है, फोर फोर फ्लोर,
जो ढूंढने आया था ना मैं एक्चुअल में मिल गया था मेरे को, मिल गया था। अब देखते हैं, इस बार मिलना चाहिए मेरे को, ठीक है बढ़िया। आप टेंशन क्या ले रहे हो आप, इसीलिए तो आपको लेकर आया हूँ। शादी में दिक्कत भी हो सकती है आपके। क्यों? जस्ट बिकॉज कि जो आप पहनोगे आप इतने केड़े लगने वाले हो। अरे तेरी, मेरे ख्याल से शायद स्टेज पे लड़कियां चढ़ जाएंगी और की कैंसिल करो मैं करूंगी शादी। ये हो सकता है, ओवर कर दिया अभी भाई आपने। ये ऐसे ही कपड़ों ओवर कर दिया। आइए बीडीएस की दुकान पे लीजिए कपड़े। तगड़ा प्रमोशन कर रहे हो है। ये थोड़ा क्रीम में जा रहा है, वाइट जा रहा है, क्रीम क्रीम ऑफ वाइट होता था। तो गाइस फर्स्ट फ्लोर पर अमित भाई को कुछ पसंद नहीं आया, तो हम सेकंड फ्लोर पर जाते हैं। फैजल के लिए पसंद नहीं आया। पसंद तो आप ही कर रहे हो ना। मुझे तो क्या है, मैंने जो आपको दिखाया फोटो बस उसी में चाहिए, बात खत्म। ये फर्स्ट फ्लोर है, वैसे वो ग्राउंड फ्लोर था। सॉरी, ये देखो ना शेरवानी आया था पहले, इधर ही आया था तो कैसे भूल गए। देख रहा है, अच्छा लग रहा है वाला। भाई ने सीधा कैडे पे हाथ मारा, एक बार मैं निगाह घुमा लेता हूँ और देखें तो बढ़िया लग रहा है वाला। तो उसमें तो बॉक्स भी अच्छे है ना, इसमें से पसंद आ रहा है। कोई देखो ये ले लो या फिर ये, इतना ही महंगा मीटर। अब क्या फर्क पड़ता है, महंगा शादी एक बार होती है, ठीक है ना। हाँ वो तो है, वो तो हाँ, तो फिर बस बात खत्म। पैटर्न तो अच्छा लग रहा है इसका, बॉर्डर नहीं है जो नीचे की तरफ आएगा, इधर जो नीचे रहेगा बॉर्डर पे, तो ऐसा कुछ नहीं है कि थोड़ा अलग बॉर्डर जैसा लगे, जैसे कि मैं कह सकता हूँ। ऊपर वाले बॉर्डर वाले सारे। हाँ। भाई कपड़ा समझ नहीं आ रहा अमित भाई को भी और मुझे भी नहीं आ रहा, बताओ क्या करना है। कन्फ्यूजन। मैंने सब कुछ अमित भाई के ऊपर रख रखा है, जो भी करेंगे अमित भाई करेंगे, जो भी फैसला होगा अमित भाई का होगा, ठीक है। जैसा आप बोलोगे मैं तो वैसा ले लूंगा, ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 बार देखो, 20 बार देखो, मुझे तो पहले वाला पसंद आया था। कौन सा था, यही था ना, ये वाला। शादी एकदम बर्बादी वाली चीज है, मत करो अमित भाई। तुम तो मत करो, मैं तो फंस गया, ठीक है तुम मत करो। क्या भाई, शेरवानी के ऊपर के सिर्फ दुपट्टे मिलते हैं। ये पूरा फ्लोर जो है थर्ड फ्लोर है, ठीक है, इसका सिर्फ दुपट्टे मिलते हैं पूरे। तो हमने कपड़ा तो पसंद कर लिया जो हमने फर्स्ट टाइम देखा था भाई, तो ज्यादा पिंक नहीं होगा, हल्का लाइट दिखा दो क्योंकि तो मैच भी नहीं हो रहा। तो गाइस हमें कपड़ा वगैरह तो पसंद आ गया, ठीक है, तो थोड़ा सीन पड़ रहा था पगड़ी वगैरह को लेकर और जो गले में दुपट्टा से डालते, तो हम जा रहे हैं बाहर रेडीमेड खरीदने, है ना। अगर बाहर मिला तो हम कपड़ा आप वापस आकर ले लेंगे, स्टैंड लगा। तो भाई हम आ चुके हैं रेडीमेड शेरवानी लेने और उसकी पगड़ी वगैरह, क्योंकि हमें पगड़ी लेनी है वैसे तो, अगर हमें शेरवानी मिली तो शेरवानी ले लेंगे। तो ये गांधीनगर में मार्केट है, रामनगर, ठीक है, आप यहाँ से ले सकते हो। हाँ ये देखो भाई, रेडीमेड शेरवानी चाहिए तो तुम इधर से ले सकते हो, नहीं तो फिर कपड़ा लेना तो तुम्हें सीलमपुर जाना पड़ेगा, पुराना बड़ा मार्केट में, ठीक है। तो यहाँ आओ लोग, लेकिन ट्रैफिक बहुत ट्रैफिक है भाई। अब अमित भाई स्कूटी निकाल कर ला रहे हैं। गाइस अपनी गाड़ी लेकर मत आना अगर आपको, तो पैदल ही आना क्योंकि यहाँ इतना गंदा ट्रैफिक लगता है ना, आप पागल हो जाओगे यार। इधर महावीर आगे, महावीर गली आगे है, कितना दूर आगे, नेहरू गली से आगे है, नेहरू गली से आगे कितनी गली बाद आ जाएगा। पेड़ के पास ही तो बहुत दूर है, तुमने तो बोला था एक गली के बाद। देखो जूती, शेरवानी के नीचे की जूती यहाँ से मिल जाएगी आपको बढ़िया। निकालो निकालो निकालो, फंस जाएंगे फिर दोबारा। ये महावीर गली कौन सी है? ये देखो भाई, इतनी पतली गली में घूमना पड़ रहा है, मैं सब कुछ मिल चुका है, पगड़ी नहीं मिल रही है। महावीर चौक कहाँ होगा, यहाँ पगड़ी वगड़ी मिलती है शेरवानी वगैरह? महावीर चौक किसी भी महावीर चौक कहाँ होगा, यहाँ पगड़ी वगड़ी मिलती है शेरवानी? इसी गली मुड़ जाओ आगे वाली से। ये घंटे से ज्यादा हो गया मैं घूमते घूमते मार्केट में, पगड़ी और एक दुपट्टा नहीं मिल रहा, तो एक ही दुकान में मिली। शादी का व्लॉग करना है या नहीं बताओ मेरे को जल्दी से कमेंट में। तो गाइस फाइनली हमने तो ले लिया है, लड़कों की लड़के की चॉइस ही है, ये ऐसी आम बात नहीं है, ये बकायदा रेड डायमंड लगे हैं, रेड डायमंड। और ये देखो पगड़ी दिखा दो यार मेरी जल्दी से, देखो पगड़ी देखो इसकी भाई, पगड़ी देखो मैचिंग वाली मिली है, ठीक है, दुपट्टा देखो दुपट्टा ही मैचिंग वाला मिला, ठीक है, ये मतलब कि गधा डालेगा लड़का देखना तुम। अब तो तुम शादी पे देखना मेरे सेकंड व्लॉग में, ठीक है, ये तो सिर्फ होपिंग है शादी वाली, जब पहनूंगा तब देखना, ठीक है। तो चलो भाई अब जल्दी चलो यार, लेट हो रहे हैं काफी। दोस्तों हमने पगड़ी दुपट्टा और जो भी माला वाला मिलती है ना सब ले लिया है, अब बस हम जाते हैं सीधा कपड़ा उठाते हैं शेरवानी का और टेलर के पास जाते हैं। अभी कोई और जाना है क्या? जूती दिखे तो रुकना। अच्छा हाँ जूती भी तो लेनी है यार, जूती तो लेनी मैंने भी। तो अमित भाई जूती और दिलवा दो यार जल्दी से अब, ठीक है, मेरे सर में दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। चश्मा तो नहीं लगाते शेरवानी के ऊपर? ना 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 ना, वो चश्मा नहीं लगाना। ना ना ना, लेकिन मैं तो अंधा हूँ यार, वो चश्मा सब लगाना है पहली रात को। अरे लेकिन मैं तो अंधा हूँ, मैं कैसे देखूंगा लोगों को? तू हाँ अंधे लोगों को बस वो दिख जाता है क्या, काम की चीज। हाँ भाई नहीं ना, समझ नहीं रहे हो। जनता समझ गई, जनता समझ गई। भैया सीलमपुर जाना कपड़े वाली मार्केट,
शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और भाई क्या हाल है? सीलमपुर ही जा रहा भाई है? सीलमपुर, सीलमपुर सीधा। ये देखो भाई के टैटू नजर आ रहे हैं आज, ये गिलो वाले टैटू है, चमक रहा हो आपको, बहुत तगड़ा टैटू है। इसका देखो तो बता दो, एक्सप्लेन करो इस टैटू के बारे में थोड़ा सा। ये 10,000 का है टैटू। अच्छा, और ये दर्शा रहा है कि मेरे माइंड में चल क्या रहा है। क्या क्या चल रहा है? ये नेचर शो हो रहा होगा आपको, नेचर। लेकिन तुम तो नेचर में नहीं हो। ओ तेरी, ये तगड़ा ट्रैफिक फिर से लग गया, एक बार लड़ाई हो जाएगी आज, पक्का बता रहा हूँ मैं। कैसे झाड़ू है हमारा ब्लॉग कौन सा भाई? क्या खेल रहे हो? कौन से कार्ड है? अच्छा, घोड़े वोड़े लेकर आ रहे गली में। ये बैन गेम दिमाग से घोड़े सारे भाई काम कर रहे हैं। अरे ठीक है भाई, क्या नाम नाम बता दो मेरे ब्लॉग का। ये तो बहुत जीत गया। कितने सारे होंगे? ओ भाई अंदर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है भाई, मुश्किल है। यूट्यूब का नाम है भाई सैज बॉय। सैज बॉय, सहज बॉय। हाँ, जब तक ये मर्द तांगे वाला आ गया है ना, जाम रहेगा। ये देखो शादी है भाई की। आसा मेरी मैं ट्रैफिक अभी थोड़ी देर में शादी है भाई की, बारात निकलनी है, पैदल चल लो पैदल। देखो हम बता रहे तुम्हें राज की बात, काफी लोग जब जा रहे होते हैं तो सोचते हैं ना कि इस वाले एक गली है, एक गुप्त गली, इसके बारे में किसी को पता नहीं होगी, वहीं से चलते हैं जल्दी पहुंचेंगे। सारे वहीं मिलेंगे, सारी ऊपर लग गया, सारे समझदार एक जगह आ गए। पेट्रोल खत्म हो गया स्कूटी के इधर बीच में। पेट्रोल पूरा रहता है, पैसे कमी नहीं है। ऐसी बात नहीं है। दिखाना चाबी उनको, दिखा दे एक बार लोगों को। आज शादी कैंसिल होगी, मैं तो तुम्हारी सही बता रहा हूँ, अगर टाइम से नहीं पहुंचे तो। मेरी मतलब मेरी तो अभी तो एक हफ्ता है मेरी शादी में, आज तो तुम्हारी है ना, लोगों के लिए भाई पैदल चलना पड़ रहा है, इतने ट्रैफिक है, हमें भाई पेट्रोल बचा रहा है अपना। भाई फाइनली हम बाहर निकल कर आ चुके हैं मार्केट से, कम से कम हमें 2 घंटे लग गए बाहर निकलने में। स्टूडियो चल मार्केट आ गई है ना, कपड़े की मार्केट, कपड़े की, इसी की वजह से जाम लगा था भाई। यह कपड़े वाली मार्केट कहाँ होगी? सीलमपुर की, इधर कपड़े वाली मार्केट आगे जाके ना है, आगे पुलिया है। अरे हाँ उधर जाना था यार हमें, पुलिया की तरफ इधर को जा रहे हम, उसने राइट हैंड बोला था। हाँ तो राइट हैंड, राइट तो इधर है ना, फिर कहाँ से भाई? भाई साहब अरे ये रहा ना कटर, ये रहा ऐसे निकाल देते हैं रोड से। सीलमपुर कपड़े वाले मार्केट जाना है, आगे से जाके उधर ही तो जाना पुलिया पे से। लगा लो हेलमेट, लगा लो भाई। ये पुराना सीलमपुर गांव में आपका हार्दिक स्वागत है, ठीक है? और इसके अंदर आपको पुराना कपड़ा, पुराना कपड़ा मिलता है क्या? सारा नया कपड़ा। अच्छा सारा नया कपड़ा मिलता है। खुले में मुंह इतना बंद करो। तो यहाँ नया कपड़ा मिलता है, शेरवानी का, क्या कैसा भी कपड़ा ले सकते हो। एक बार मैंने यहाँ से शर्ट का कपड़ा लिया था, टाइगर मेट्रो जा रही है। दोबारा आ चुके हैं भाई हम कपड़ा लेने, जो हमारा कपड़ा रह गया था। लहंगे कपड़ा सारा, ये लहंगे के लिए। लड़कियाँ सच में क्यों वो देखने आया ना, ये दुपट्टा देखो, ये सारा निकलवा दिया। हम तो बहुत सही है, फिर भी लड़कियों ने देखो पूरा निकलवा दिया। ये देखो जी, लड़कियों को साथ लाओ तो ये हो। और ये देखो, ये रहा दूल्हा, पहन के दिखा चुन्नी है, अभी सर पे ऐसे डाल के देखना बगल में, अभी कैसे आएगा ऐसे लुक। हाँ बगल में है, ये देखो ऐसे और लग रहा दूल्हा। अबे तो बहुत दूर जा रहा मेरे हैं, ऐसे डाल रहा है तो बहुत अलग आया। ऐसा दूल्हा हो तो सादे दिन तलाक होगा। तो भाई हमने सारा सामान ले लिया है ना, शेरवानी, घर जा रहे थे तो तब याद आई पैंट, तब याद आया मेरे को, पैंट भी लेनी है और जूती भी लेनी है, अभी बटन भी लेने हैं इसके, फिर उधर तो मिलेंगे भी नहीं हमें, समझ गए तुम। अमित भाई गलत करा देते अभी यार, घर जाके फिर दूसरे दिन जब आप भाई टेंशन ना ले, पैंट का कपड़ा लेके करूंगा। कैसा कि शादी के दिन ही तलाक है? अबे यार ये चीज मत करो, टेंशन ना ले। तुम्हारे में क्या क्या कबूल है? कबूल है, कबूल है ना। तो घूम रहे हैं लिफ्ट में, ऐसे नहीं है, महंगी जगह है कपड़ा लेने, देख रहे हो पूरा लिफ्ट विफ्ट लगा रखी बिल्डिंग में। दीवान साहब के आए, दीवान साहब, दीवान साहब कौन है वो? पब्लिक बता दी कमेंट में, इतनी महंगी जगह आए हो। अच्छा रणवीर कपूर है ना? हाँ। उसने भी यहीं से सिलवाए। अच्छा अच्छा अच्छा, सही जगह लेकर आ गया मुझे, उसका बिल फटा यार। क्रीम कलर तो मिलेगा भी नहीं, क्रीम और व्हाइट में मैच करेगा, व्हाइट अच्छा लगेगा ना, क्रीम नहीं चाहिए। ये देखो व्हाइट कलर भाई, ये पूरा जो फ्लोर है ना सिर्फ पैंट का कपड़ा मिलता है यहाँ पर। ये देखो काफी बड़ा है, पैंट बनवाते हैं ना, ये वो चुन्नट वाली पहनते हैं सब।
क्या बोलते हैं उसको, पजामा, पजामी टाइप जो होती है, कुर्ती पजामी, कुर्ता पजामा काड़ा काड़ा। इसे नॉलेज ना है, तुम्हें यहाँ रहना चाहिए था अमित भाई। तुम कहाँ जॉब कर रहे हो? तुम्हें ये खोल लेना चाहिए शोरूम सा। अरे मैं सब भूल गया, भूल गया कपड़ों के नाम, ऐसे रट्टे की तरह याद रहता तुम। एक बता दो फैब्रिक, फैब्रिक कसम से मुझे एक याद नहीं आ रहा। क्या करते थे? मैं यूनिट देखता था कि काम सही जगह चल रहा है नहीं चल रहा है। फिर इसमें कपड़े में याद करने की क्या नीड है तुम्हें? मैंने गल करने दे देते हूं यार, तुसी समझते नहीं हो। गाइस ये वाला है 250 रुपए मीटर और ये वाला है 185 रुपए मीटर। भाई मुझे नहीं पता, देखो चीज बढ़िया होनी चाहिए। भाई पैसा साला कितना भी लग जा, तुम 250 वाला ले रहे हो। भाई 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 सुनो सुनो, एक जो एक पैंट है वो कितने मीटर मिल जाएगी? 1.5 मीटर में है? भाई मेरे मतलब 36 कमर वाले की भी, 37 कमर वाले की मिल जाएगी। और 1.5 मीटर तो 1.5 मीटर के हिसाब से लगा ले, 250 एक मीटर 250 को हाफ कर लो तो 150। देखो भाई अपना तो हमने भी एक वाइट पैंट ली है भाई के लिए, मैंने ये पैंट मिलाई है, पैक हो रहा है उधर, तय हो रहा है, वो हमने लिया है, वो अमित भाई पहन कर आएंगे शादी में, फिर हम दिखाएंगे लड़की कैसे गिरती है। और तेज मतलब हम नहीं गिरा पाएंगे, मैटर सीरियस ही है। क्या टेंशन इस बात की हो रही है कि जैसे उस दिन शादी वाला दिन है और मैं उस मतलब वहाँ रेडी वेडी होके आया, तू आया जो है, तो जब मैं रेडी होके आऊँगा ना तो यार बस थोड़ा सा देख लियो एक बार, एम्बुलेंस वगैरह कॉल कर दियो, लड़कियाँ भी होश होती जाएंगी। अरे तेरी तो बहुत तगड़ी बात बोलती है, तो वहाँ पे ना एम्बुलेंस पहले से बुला, तो मैं शादी ना उसमें हॉस्पिटल में कर रहा हूँ ना सीधा, ये इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है ना। चलो ये ले लिया कपड़ा, तो ये दो जोड़ी कपड़े ले लिए अमित भाई ने, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लाया था, हेलमेट। तो गाइस फाइनली हमने अपना सारा सामान ले लिया, अब नीचे जा रहे हैं, अब देखते हैं प्राइस व्राइस का क्या सीन है, कितना कितना बताते हैं। तो भाई कैसे वैसे कटवा रहे हैं अमित भाई। तो गाइस फाइनली शॉपिंग कर लिया हमने, बिल मांग रहा था ना, हाँ तो मैंने कहा मैं ले ले, अब हाँ जो तुमने बिल फाड़ दिया, कितना 23,000 रुपए का पहुंचा पूरा सीधा, 23,950 रुपए का बैठा, बताओ। अभी सिलाई के कितने जाएंगे? सिलाई फटेगी अलग। अब अमित भाई क्या शादी करवा रहे हो, इतने में तो मेरी शादी हो जाती है, मत करो सारा। कोर्ट मैरिज कर लेता बढ़िया रहता। ये देखो भाई अभी सिलाई के भी अलग पैसे जाएंगे, अभी जूती भी लेने, बटन भी लेने, खर्चा कर दिया देख मैंने। अब कोई बात नहीं, कोई बात, बहुत बड़ा दिल है तुम्हारे, कोई कोई बात नहीं, पर काम आएगा ये जिंदगी में, चलो देखते हैं भाई। 4:22 हो गए, हम कितने बजे आए थे? पकड़िए सुबह 12 बजे आए थे हम, 16-17 टाइम लगे, अभी हमें सिलाई भी करवानी है इसकी। अब टेलर के पास जाते हो कितने रेट मांगता है वो पता चलेगा अभी। चलो फिर चलते हैं। चाबी का नहीं पता कहाँ रह गई, इतना इतना बड़ा शोरूम है कपड़ों का, मिलना नामुमकिन अमित भाई, अगर चाबी नहीं मिली ना तो लोग तोड़ देता हूँ तुम्हारी स्कूटी का जब तक। अब भाई वेट करता हूँ अमित भाई का, चाबी मिल जाती तो अच्छी बात है। तो भाई ये दुकान है, हम यहाँ से सिलवाने वाले हैं अपने कपड़े, ठीक है। अभी अमित भाई बात कर रहे हैं, बाकी देखते हैं, हमारा सामान तो जरिए रखा है, क्या पैसे बताते हैं सिलाई के, बजट में सिल देंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात। गाइस फाइनली हम फ्री हो चुके हैं, क्या सीन है भाई, दिमाग का है तो रखा है बता नहीं सकता मैं। और ये अमित भाई की स्कूटी पे पहले से कुछ लोग आ रखे हैं। हाँ हेलो सर, एक्सक्यूज मी ब्रदर, सुनो हेलो, अरे छोड़ दोगे क्या, आगे तक छोड़ दोगे, जाना हट जाओ, क्या भाई सुनो उल्टा हो गया, उल्टा उल्टा सीन हो गया, उल्टा और इतना उल्टा हुआ है ना, ये कैसा दिल सा गिर गया तुम्हारा। सॉरी गाइस कल मैं इस ब्लॉग को एंड नहीं कर पाया था, क्योंकि थोड़ा सा बताना था आपको, जहाँ से हम कपड़ा ले रहे थे थोड़ा उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना था, क्या क्या सीन हुआ था मेरे साथ, तो इसलिए मैं कल ब्लॉग खत्म नहीं कर पाया था, क्योंकि बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो गया था हमारा, और फिर रात भी हो गई थी काफी, और हम लेट भी हो रहे थे, हमने कि चलो छोड़ो इसको कल एंड नहीं करेंगे। तो आज दूसरा दिन है, सुबह हो रखी है, तो इस ब्लॉग को हम इधर खत्म करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ बताना चाहता हूँ मैं, तो वो एक मिनट, अमित भाई आ रहे हैं। हाँ तो अमित भाई बताओ कल क्या क्या हुआ हमारे साथ, सच सच बताना, ठीक है। देखो जी कल का दिन बहुत बढ़िया रहा मेरे लिए, इसके लिए नहीं, क्योंकि भाई हमने तो अपना बजट में जो लेना था हमने ले लिया, इनको थोड़ा शादी का हिसाब महंगा पड़ गया इनका, ठीक है महंगा। और सीन क्या हुआ था वो तो बताओ। सीन ये हुआ था कि देखो थोड़ी झोल हो गई थी, एक तो दीवान साहब जहाँ से रणवीर कपूर जी ने अपने कपड़े सिलवाए, तो दीवान साहब जहाँ से कपड़े लेते हैं वहाँ से हम लोगों ने कपड़े लिए, छोटी चीज़ नहीं है तो फ्लैक्स नहीं कर रहा, लेकिन ये है कि बना उनू के जैसा अभी फाइनल, बहुत चौध हुई, भाग दौड़ काफ़ी हो गई, साइज वाइज का इशू हुआ, फाइनली कर लिया जैसा भी है, अब जब हो जाएगा एक हफ्ते बाद रेडी, तो जाके देखेंगे कैसा लग रहा है, और शादी बहुत अच्छे से निकालनी है आपकी, कोई दिक्कत हो जाए। शादी तो ठीक है, लेकिन वो तो बताओ कौन सा वाला, अरे जो सीट वाला कपड़ा वापस जो नहीं कर रहे थे पहले। हाँ तो बता तो दिया, बहुत हुई जाने में ले आने में, अब बता दो आगे से अपने, जब भी जाओ ना कुछ सिलवाने तो एक बार टेलर के पास जाना पहले, ठीक है, उससे बोलना भाई कितने साइज में मेरा ये बन जाएगा, तब जाकर वहाँ से कटवाना कपड़ा, अगर तुमने कपड़ा कटवा लिया ना तो वापस नहीं होने वाला वहाँ पर, ये ध्यान रखना, ठीक है जी। और कपड़े भी कम से कम 1200 रुपए मीटर है ना, कपड़ा बहुत महंगा मतलब, लेकिन चीज तो ठीक है लेकिन महंगा था, कोई बात नहीं, ठीक है
लेकिन भाई सीन हुआ था, बोल रहे थे हम वापस नहीं करेंगे, कट गया एक बार, क्योंकि मैं मुझे डेढ़ मीटर दो मीटर चाहिए था, तो डेढ़ मीटर काट दिया, इनको तीन मीटर चाहिए था, इनका ढाई काट दिया। जो होता है सिखाता ही चीजें सीख गए, लेकिन और सिर्फ एक कपड़े के लिए ना पूरा दिन लग गया हमारा, सुबह 12 बजे से। रास्ते में बहुत इंटरेस्टिंग चीजें थी जो कि कवर नहीं कर पाए, तो ये क्योंकि दिमाग खराब था, कर नहीं पाए थे, तो ब्लॉग का तो कवर करा ही नहीं तूने, मैंने कहा इतनी बड़ी बड़ी चीजें थी। कोई बात नहीं, अब इस ब्लॉग को हम इधर ही खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों लास्ट तक देखने के लिए, और अगर आपको इस ब्लॉग में मजा आया तो प्लीज यार लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट करो अपना प्यारा सा। और आपको कपड़े लेने हैं तो जाओ यार लेने, वैसे अच्छी जगह है वो, तो समझ के जाना, पहले टेलर से मिल लेना, सॉरी टेलर से मिल लेना, फिर जाना उसके पास, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय।